आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, कमाना खाना बंद है, दुकानदारी सभी बंद है, तो ऐसे में पब्लिक कहाँ से पैसे लाएगी और कहाँ से देगी। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। आज हमने आम आदमी पार्टी जिला अजमेर ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजली के बिलों की माफी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का उद्देश्य यह है कि 3 महीने से राजस्थान लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के अंदर किसी को भी, किसी के पास भी कोई रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, सब एक तरह से लॉकडाउन करके घर में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में 31 मई तक बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर आम जनता से 3% पेनल्टी सहित वसूली करना अपने आप में एक आपत्तिजनक, अफसोसजनक लगता प्रतीत होता है। एक तरफ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के अंदर बिजली के बिलों को माफ़ करने के लिए अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर ही कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी 3% बिजली के बिलों को लेना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के साथ में एक अत्याचार है। इस बात को लेते हुए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग की है कि 3 महीने जो कोविड-19 के बीते हैं, पिछले 3 महीने जो कोविड-19 के बीते हैं, इन बिलों का, बिजली का बिल आम जनता से माफ़ करें और उन पर जो भार है उसको कम करें। आम आदमी पार्टी जिला अजमेर, दीपक गुप्ता। आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, कमाना खाना बंद है, दुकानदारी सभी बंद है, तो ऐसे में पब्लिक कहाँ से पैसे लाएगी और कहाँ से देगी। तो मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि ज्ञापन के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि वहाँ पर बिजली के बिल 3 महीने के माफ़ किए, थोड़े लोगों को राहत मिल सके।